अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर तेलंगाना, इनके घर पर टीआरएस के कुछ लोगों ने लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया और जवाबी हमले में कांग्रेस के कुछ लीडर्स वर्कर्स वहां ठहरे हुए थे, ये भी जवाबी हमला करने लगे। हालांकि इस वक्त पुलिस वहां पर मौजूद है, सिर्फ पुलिस तमाशाइयों की तरह बीच बचाव करती देखी गई। लेकिन पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के घर पर इतना बड़ा हमला करने के बावजूद ये डीसीपी वेजून को शिकायत किए हैं। रेवंत रेड्डी का कहना यह है कि इससे पहले भी कई बार वो कंप्लेंट दिए हैं लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और उल्टा इन्हीं के कांग्रेस के वर्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये कहना रेवंत रेड्डी का है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। మనుషుల్ని పట్టుకొని బండి ఫోటోతో సహా
కంప్లైంట్ ఇస్తే మీరు ఎఫ్ఐఆర్ చేయలే, నిన్న మావల్ కంప్లైంట్ ఇస్తే మీరు కన్సిడరేషన్ లకు తీసుకోలే. మీరు మా ఇంటి మీద దాడి చేసిన వాళ్ళు వదిలేసి మా ఇంటికి వచ్చిన కార్యకర్తలు మీరు పట్టుకొచ్చి 4000 సెక్షన్స్ పెట్టి మీరు తీసుకొచ్చి లోపలేస్తే అసలు మేము ఎవరు చెప్పుకోవాలి? ఆడి మీరు చెప్పండి, నాకు అర్థం కాలేదు. జర్మన్టన్ హాస్పిటల్ ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब. बैन अल्क्वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल. वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन. एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी. और लाइक और शेयर करना ना भूलें. 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़.